उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत का जश्न मनाने अपने सहयोगियों के साथ डीएच जाफरी मुजफ्फरनगर पहुंचे। राष्ट्रीय सचिव भारतीय मोदी सेना ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर डीएच जाफरी की चुनाव परिणामों के बारे में प्रत्याशा सच साबित हुई। जब जेपी नड्डा ने उनसे पूछा कि कितनी सीटें आएंगी, क्या हम जीतेंगे या नहीं, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए 250 से अधिक सीटों का अनुमान लगाया था। डॉक्टर डीएच जाफरी ने अपने सभी सहयोगियों और सहकर्मियों के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए जिला मुजफ्फरनगर भाजपा मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों और समर्थकों को इतना बड़ा समर्थन देने और इतनी अधिक संख्या में जीत दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। मैं डॉक्टर डीएच जाफरी, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय मोदी आर्मी, मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑल इंडिया शिया लॉ पर्सनल बोर्ड, मुझे भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बेहद खुशी है और मैं सभी कार्यकर्ताओं का और पार्टी पदाधिकारियों का और सभी कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जनता ने जो हमें अपने दिल से आशीर्वाद दिया और वोट किया, हमारी बहनों ने, माताओं ने घर से निकली और वोट किया, उनका मैं अति धन्यवाद हाथ जोड़ के करता हूँ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इलेक्शन से 6 महीने पहले ही ये बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 250 सीटों से ऊपर विजयी होगी। मैंने जेपी नड्डा जी को भी ये कहा कि अध्यक्ष जी 250 प्लस भारतीय जनता पार्टी यूपी में लीड करेगी। फिर अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, शाह साहब ने मुझे कहा नोएडा से लेकर, दिलशाद भाई नोएडा से लेकर आपको जाना है अयोध्या तक, एक एक जिले में जाके वर्क करना है। मैंने अध्यक्ष जी के कहने के अनुसार नोएडा से लेकर अयोध्या तक, गोंडा बस्ती तक मैं गया, हर जिले में जाके मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताया। मोदी जी के लोग बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े फैन हैं, मोदी जी को लोग चाहते हैं और उसका रिजल्ट अब 10 तारीख को आ गया है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो मैंने 6 महीने पहले कहा था 250 से ज़्यादा सीटें आएंगी, आज मैं अपने होम टाउन जिला मुजफ्फरनगर कस्बा बुढ़ाना में पहुंचा हूं और अपने आवास में हूं, वार्ड नंबर 4। और हमारे यहाँ के चेयरमैन जितेंद्र त्यागी जी, उनकी वाइफ है, क्योंकि सीट लेडीज हो गई थी, बाला त्यागी जी, उनके यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास से पार्टी की जीत का जश्न मना। और हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष और बहुत सारी महिलाएं जो हमारी पार्टी पदाधिकारी हैं और हमारे भाई जो प्रेस से जुड़े हुए हैं, भाई नसीम कुरैशी साहब, आनंद वर्मा जी और हमारे भारतीय मोदी के बहुत सारे कार्यकर्ता, सब लोगों ने मिलकर जश्न मनाया। हमारा कस्बा बुढ़ाना, हमारे यहाँ पे चेयरमैन, MLA, MP, यहाँ तक कि हमारे मंत्री, सब लोग BJP के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने BJP के लिए अपनी जान तक दे दी है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।